हमारे ट्रिप की पहली दुर्घटना हो चुकी है। विनय बाबू ड्रोन जो है हाथ से पकड़ते पकड़ते ब्लेड से काट लिए। सो हाउ दिस हिमालयन इज परफॉर्मिंग। पिछली बार मैं खाई में गिरते गिरते बचा था, लेकिन मानेंगे नहीं रहे। ब्रेकफास्ट करते हैं, टाइम हो गया 8:30। बहुत कुछ कर लिया बीच में और आपको आज का प्लान बताते हैं। तो अभी तक जो हमने लद्दाख घूमा था वो तो नॉर्मल लद्दाख था जहाँ हम नहीं गए थे। अब हम जाएंगे एक्सट्रीम लद्दाख, यानी कि जंस्कार वैली। जंस्कार वैली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, मतलब 3 जगह से आप जा सकते हो। आप मनाली साइड से भी जा सकते हो, कारगिल से भी जा सकते हो, और एक जो बिल्कुल नया रास्ता खुला है जो सबसे खतरनाक है, जो कि यहाँ से ले फिर खालसी और खालसी और लामा यूरू के बीच से लेफ्ट कट के लिंक्सेड होते हुए, और बीच में 2 पासेस भी आते हैं, मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो सबसे नया रास्ता और सबसे खतरनाक रास्ता है, तो अपन वो रास्ता लेंगे और मतलब एक्सट्रीम एडवेंचर अब स्टार्ट होगा। अब आगे की जो पूरी ट्रिप है वो जंस्कार वैली पे रहेगी और मस्त मजे दिलाएंगे आपको, मस्त फुटेज दिखाएंगे। फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आज अपन चलेंगे लामा यूरू से पहले, लामा यूरू या खालसी में कहीं एक जगह तक। कल से स्टार्ट होगी जंस्कार जर्नी। ये आ गया भैया हमारा नाश्ता। नाश्ते में हमारा ऑमलेट, परांठे एंड चाय। क्या बात है, चलो जल्दी जल्दी खाते हैं। चियारा भाई, विनय बाबू रेडी? यो, अब निकलते हैं, ट्रिप ए को जीरो करते हैं। 3,339 किलोमीटर बाइक चल गई मेरी। क्या बात है, कल 22.7 KMPL का माइलेज दिया बाइक ने भाई साहब, 270 किलोमीटर में। निकलते हैं सुमूर से, पहुंचते हैं लामा यूरू और खालसी के बीच में। और किस तरफ चलना है, राइट? हाँ, बच्चे स्कूल जाते हुए। ओहो, दिन की शुरुआत, क्या बात है। इतना एक्साइटमेंट है ना जंस्कार वैली का, मतलब मैं बता नहीं सकता, जबकि लोगों ने बताया रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बट कोई बात नहीं, BMW किस लिए खरीदी है, थोड़ा रगड़ना पड़ेगा ना इसको। वो भी कह रही होगी भाई किन के हालतों में लग गए हैं सही में। मतलब अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ है और 3400 किलोमीटर चला दी, और अभी तो घर लौटते लौटते 4,4500 किलोमीटर हो जाएगी विद इन ए मंथ। क्या बात है, मौसम आज कल से ज़्यादा खुला है तो बादल कम है, तो उसका फ़ायदा ये है कि बारिश के चांसेस कम है, लेकिन नुकसान ये है कि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है। और ये मैप को क्या रखा है, ये रात क्यों दिखा रहा है साला, कुछ भी होता है यार मैप में। सुबह सुबह बाइक लेके निकलने का जो मज़ा है ना, वो कहीं और नहीं। अरे विनय बाबू पीछे रह गए। तो बात कर रहे थे जंस्कार की, भैया कल से अपना खतरनाक जंस्कार स्टार्ट होगा, आज इसकी तैयारी।
कुछ पता नहीं रोड कैसा है क्या नहीं है, काफ़ी स्टडी की, रिसर्च की, बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई दे नहीं पाया था। हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरे जंस्कार में रोड ख़राब है। मनाली से गोंडबुक रंजन तो हम लोग पिछली बार कर लिए थे, तो उसका हमें आइडिया है कि रोड पूरी ख़राब है सिंकुला पास होते हुए। लेकिन वहाँ से गोंडबुक रंजन से पादुम और पादुम से जो ये रास्ते हैं टू ले मतलब टू लामा यूरू और टू कारगिल, इनका कोई आइडिया नहीं है कैसे हैं। और बता भाई लोग क्या हालचाल, मौज चल रही कि नहीं चल रही है? मौज चलती नहीं चाहिए भैया, अपनी तो फुल चल रही है। बहुत ही सुंदर नूबरा वैली है और एक्साइटमेंट इस चीज़ का है कि जंस्कार जा रहे हैं, तो भैया बोलना तो पड़ेगा जंस्कार के लिए। टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ, क्या रोड है और क्या रास्ता है, मज़ा। ओ भाई सुबह सुबह बाइक स्टार्ट करो पहाड़ पर और आपको ऐसी रोड्स मिल जाएँ, व्हाट एल्स यू नीड मैन, व्हाट एल्स यू नीड। कीचड़ आ गया, कीचड़ आ गया, पूरी बाइक साफ करी मैंने? नो, स्लो स्लो निकालेंगे हम। पानी वैसे साफ है, भले ही कीचड़ है लेकिन पानी बिल्कुल साफ है। क्या क्या करना पड़ता है देख रहे हो आप लोग, क्या बिल्कुल डीप कर्व्स हैं, बिल्कुल मजे आ रहे हैं बाइक चलाने में। साला पता नहीं लग रहा कल इसी रोड से आए थे, फिर से नई लग रही है बिल्कुल रोड। अरे तेरी जेसीबी आ तो रहा, जेसीबी निकलेगा कहीं से? जगह है, हम निकल सकते हैं? मैंने जगह नहीं दे रहे भाई, एक ट्रक जो है बिल्कुल ब्रिज के साइज का है। इसके बाद ना एक पैदल भी नहीं, पैदल ही बंदा निकल सकता है लेफ्ट से, पैदल में भी थोड़ा बहुत छिल सकते हैं। साइकिल वाला भी नहीं निकल सकता, बाइक तो छोड़ो भाई, ये पटरे टूटे से हैं, कुछ हैवी है इसमें, देख रहे हो हिल तक नहीं रही है। ये लो भैया निब्रा के पेट्रोल पंप में, तो भैया यहाँ तो बारात आ गई है। चलो खड़े हो जाओ, पीछे तो लगो, यही चाहिए। ग्रेट 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 ग्रेट, नाइस। इन इंडिया दे डोंट सेल 1290। यस, इन अगेन 1290, द बिग वन विद टी, द व्हाइट वन। ओके, अरे नाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। फ्रॉम इंडिया? यस यस, वी आर फ्रॉम इंडिया ओनली, दिल्ली। दिल्ली? यस यस यस। वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली ऑन सैटरडे। सैटरडे? वी आर ऑल्सो रिटर्निंग टू दिल्ली ऑन सैटरडे। नो नो, वी विल गो बाय अवर ओन बाइक्स। यस यस यस। यू विल गो बाय फ्लाइट ना? यस, वी गो बाय फ्लाइट। नो नाइस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो हाउ दिस हिमालयन इज परफॉर्मिंग? It's a 8 times difference. Very light. This is light. So only, oh, great, yaar. Every year we go to a tour, we make a sticker like this and we put it on the bike. thank you so much. Mast pura group aaya hai 30-40 logon ka Greece se. Mast yahan enjoy kar raha hai. सबने हिमालयन रेंट पे ले रखी है। एक्चुअल में ही ड्राइव्स KTM 1290 भाई, मॉन्स्टर। भाई पेट्रोल भराने में लग गए 30 से 35 मिनट, हालत ख़राब हो गई हमारी, पसीने निकल गए यार हेलमेट के अंदर, पूरे पूरे बॉडी में पसीने निकल गए अब सुखाने को। एनीवेज हम लोग निकल लिए हैं बहुत ही फुर्ती में, लेट तो भयंकर हो चुके हैं और आगे मौसम देख रहे हो आप, बिल्कुल बादल इस बार भाई, मौसम लद्दाख का खतरनाक है यार, नीले नीले आसमान दिख ही नहीं रहे यार। पिछले साल मौसम में बिल्कुल नीला आसमान दिखता था, इस बार सिर्फ बादल ही बादल है और कुछ नहीं है। नुब्रा से अगर आपको पेंगोंग जाना है तो आपका ये रास्ता लेफ्ट जाता है, और ले जाना है तो आपको ये रास्ता राइट जाना है। पेंगोंग अपन दो बार जा चुके हैं, क्या करेंगे जाके, जंस्कार चलते हैं ना, जंस्कार। ओए विनय, ऑफ रोडिंग का कीड़ा विनय के बाहर आ गया और मेरे को भी फंसा लिया इसने। कोई ना, सेटलिंग करते हुए निकालते हैं अपन यहाँ से। जंस्कार की प्रैक्टिस हो रही है। तुम्हारा ऑफ रोडिंग का कीड़ा मरा नहीं है अभी तक है, ये तो जंस्कार की प्रैक्टिस कर ली ना हमने थोड़ी सी। हमारे ट्रिप की पहली दुर्घटना हो चुकी है, विनय बाबू ड्रोन जो है हाथ से पकड़ते पकड़ते ब्लेड से काट लिए, और डर गए हम लोग देख के, हमने भाई विनय के KTM में कुछ हो गया, रोड पे तेल ही फैला है। एनीवेज
बैंडेड निकालते हैं विनय बाबू के लिए, बैंडेड निकालना पड़ेगा भाई, हाथ घायल करवा लिया इन्होंने अपना। भैया पट्टी करता खून निकल गया, साफ भी करना है क्या भी? ना ना लगा साला, यहाँ भी अंगूठे भी पेपर बच गया, ये सिर्फ वैसे एक। ये देखो ये डॉगी महाराज मिले थे, हमने इनको चार बिस्किट खिलाए, फटफट फटफट खा गया। तो भैया वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक वाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को यार, सपोर्ट दिखाते रहो यार, अपना भी दिल लगा रहे काम करने पे हैं। और जितना ज़्यादा लाइक और कमेंट्स करोगे ना भाई लोग, आप लोग, उतना ज़्यादा मेरा चैनल मतलब ग्रो करेगा, क्योंकि ब्लॉग्स उतना ज़्यादा वायरल होते हैं, यूट्यूब ये सब चीज़ें देखता है कि कितना लाइक कर रहे हो आप लोग, कितना कमेंट कर रहे हो। तो भर दो भैया कमेंट बॉक्स पूरा मस्त मस्त। एनीवेज हम लोग बेइंतहा लेट चल रहे हैं, 9 बजे निकले थे, 11 बज रहा है, और सिर्फ 27 किलोमीटर बाइक चलाई है, 9 निकले थे। पर ठीक है यार, नज़ारे ऐसे हों तो फुटेज लेना बनता है भाई आपके लिए, इसीलिए तो आए हैं बाइक चलाने थोड़ी आए हैं। अब ये वहीं तक चलेगा पूरा, अब ये चलेगा तुम्हारा नॉर्थ पुल्लू के आगे से जहाँ से ऑफ रोड स्टार्ट हुआ था पूरा। भाई अच्छे दिन चले गए, अच्छे घंटे चले गए, अच्छे दिन नहीं गए। थोड़ी देर अपन ऑफ रोड करेंगे, और अब तो पता ही है कि ऑफ रोड ही है टिल नॉर्थ पुल्लू, अच्छी रोड ज़्यादा है नहीं कुछ खास। वो तो भाई सैडलिंग में इतना फ़ायदा रहता है ना मैंने भाई, एक तो पहली चीज़ कि आपकी बम दर्द नहीं होती, दूसरा आपको झटके ही नहीं लगते, पूरे झटके बाइक पे लगते आप बिल्कुल कंफर्टेबली, और स्पीड भी आप ज़्यादा पकड़ लेते हो। और देखो 40-50 की स्पीड पे चल रहे हैं हम लोग। विनय कीड़ा फिर से जागा। और हम लोग जाएंगे ऑफ रोडिंग, ये वही वाला है विनय जिस हम लोग पिछली बार मैं खाई में गिरते गिरते बचा था, लेकिन मानेंगे नहीं रहे। ओपे पर लो 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 रिस्क। अबे घुसते ही विनय कांड हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बंद कर दी, चलो नहीं लगा। थैंक यू, ठीक है चला जाएगा, थैंक यू ब्रो थैंक यू। हाँ ये अभी आई एम फाइन क्या गया वो? भाई कुछ भी नहीं गया अभी ना। मिल गया अच्छा, ये गड़बड़ हो गई है। चलो खैर थैंकफुली मेरी BMW को कुछ नहीं हुआ, ऑल सेफ। अबे नहीं चलेंगे तो ऑफ रोड ही बिना चले। हाँ आ जाओ, रुको मैं साइड कर लेता हूँ। अबे बिना यहाँ ये हाल जंस्कार में क्या होगा। पहले इनको देखते हैं इनके क्या हालात रहते हैं ना। नहीं नहीं पैर में कुछ नहीं हुआ, लकली एवरीथिंग इज़ फाइन। भाई आगे माहौल सही नहीं दिख रहा विनय। एक्चुअली दिक्कत पता है विनय कहाँ है? हाँ वहाँ यार हम लोग गिर सकते हैं। ठीक है चलो, जय बजरंग बली। हाँ हाँ चलो, तो मैं चलूँ आगे आगे, पैर तो पहुंच रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वजन ऐसा है ना कि एक बार झुक गई तो फिर गिरेगी। यही तो दिक्कत। अबे जाएंगे तो इधर ही से, कुछ भी हो जाए। BMW का पहला फॉल हो गया भाई, हल्का सा ही हुआ लेकिन हो गया। इतनी देर में हमारा लूप रोड से कवर हो गया होता बिना। ये बात तो है।
पैनियर्स का ये फ़ायदा है और इन्होंने बचा लिया, बाग बस्टर्स ने एंड पैनियर्स ने बिल्कुल बाइक को सेफ कर दिया। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओ भाई भाई टफ तो है यार भाई, ये बिना ऐसा करना पड़ेगा, पहले तुम्हे निकल के हर जगह तभी मेरा हाथ ही निकल पाएगा। लेकिन पावर है इसमें, ये चीज़ है। एक्सीलेटर ले लेता हूँ तो फिर चलती चली जाती है। आओ धीरे धीरे, ठीक है। देखो देखो बिना ऐसा है, एक शगुन का गिरना हो गया, अब कहीं नहीं गिरेगी जंस्कार में, गारंटी है हमारी। अब हम लोग बिल्कुल जंस्कार जो है मक्खन की तरह क्रॉस करेंगे, मक्खन की तरह। तो भैया आगे मडरा रहे हैं काले बादल और थोड़ी थोड़ी बारिश जो है स्टार्ट हो गई है। इसी चीज़ का मेरे को मतलब बारिश जो वो चीज़ है मेरे को सबसे कम पसंद है। मैं तो रोड से ही आ जाता हूँ बिना भैया, ये ना टीटी वाला धूल उड़ा रहा है ऊपर से, तो रोड से तो बहुत लंबा है यार। तो बारिश मेरे को सबसे ज़्यादा इरीटेट करती है और बारिश ही होने वाली है। ठंडक बड़ी है थोड़ी सी, टेम्परेचर इज 15°। दिक्कत ये अब हम लोग अंदर से पसीने से पूरे भीग रखे हैं, ठीक है। जब ठंड बढ़ेगी तो हम लोग की बैंड बजेगी। ये पता नहीं कैसे होता है बिना, हम लोग हर बार निकलते हैं और 2 घंटे के अंदर हम लोग पसीने से भीग जाते हैं। अरे भाई ये क्या है। भैया धूल मिट्टी ना गिरा देना मेरे ऊपर। ये देखो ड्रिलिंग मशीन ड्रिल कर रही है, अभी इसमें अंदर डायनामाइट लगाया जाएगा, फिर उसमें ब्लास्ट किया जाएगा, फिर ये पत्थर टूट जाएंगे। ऐसे चलता है काम पहाड़ों पे। ये देखो पूरी मशीन चल रही मस्त। अबे मैंने उस तरफ तो जगह ही नहीं छोड़ी, जाएंगे कैसे भाई। आर सीम अरे यार ये गड़बड़ है बिना, दबा ली। ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकलो तुम, ठीक है। अब यहाँ से निकलने मेरे को थोड़ा सा, ओ भाई बिल्कुल खाई के किनारे आ गए। चलो बिना, हाँ फटाफट बारिश स्टार्ट हो भाई। पिछले 5 किलोमीटर में 5 डिग्री टेम्परेचर गिर गया। ये होता है खतरनाक वाला काम। चलो रेन लाइनर पहनते फटाफट। फाइनली ऑफ रोडिंग वाला पैच हो गया ख़त्म, अब रोड अच्छी है टिल खारदुंगला, कोई दिक्कत नहीं है। और अब खारदुंगला क्रॉस करते हैं, मौसम बिगड़ रहा है धीरे धीरे, 9 डिग्री टेम्परेचर हो गया, हीटेड ग्रिप्स ऑन करते हैं 2 पे। और उसके बाद खारदुंगला क्रॉस करके सीधा ले पहुंचेंगे, आज ज़्यादा कुछ है नहीं। नॉर्थ कुल्लू में यार विनय का चश्मा छूट गया था लास्ट टाइम जब आ रहे थे, तो उस ढाबे पर रुक के पूछ लेंगे, अगर चश्मा मिल जाएगा तो ले लेंगे और एक चाय पी लेंगे। बस किस्मत अच्छी रही तो विनय बाबू को चश्मा उनका मिल जाएगा। बारिश हो रही है हल्की हल्की, अभी तुम्हारा सीन है एब्सोल्युटली साइलेंट है। मैंने अचानक से भाई अब अच्छी रोड स्टार्ट हो गई है, मजे आने लग गए भाई चलाने में। चलो भाई आ गए नॉर्थ कुल्लू, यहाँ एक चाय ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि आज भीड़ यार ज़्यादा है कल के कंपैरिजन में। और विनय का चश्मा यहाँ छूट गया था, अगर मिल गया तो पूछते हैं चल के। विनय नहीं रुकना है, अबे ये दुकान थी कुछ, तुम्हारा बैग ढीला है क्या, तुम्हारा बैग एक तरफ आ गया बहुत ज़्यादा, बंद कर दी। चलो बेबी सॉरी यार, हम रास्ते से चल रहे, घंटा नहीं लेंगे हम।
ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, मैं आगे निकल रहा हूँ आपसे आगे